किडनैप करने के बाद फिर उसको जो है बहुत बुरी तरह से मतलब उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको मारकर कैद किया गया। तो ये जो ऐसी जी, अब हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए कि ये जो है बच्ची, ये सिर्फ एक बच्ची की कंप्लेंट है, मतलब एक बच्ची के लिए ये नहीं कर रहे, हम सब बच्चों के लिए कर रहे, आपकी बच्ची के लिए, अपने माँ बाप की बच्ची के लिए, हम सब जो भी यहाँ पे लोग हैं हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो है वो चाहते हैं, इनके मम्मी पापा चाहते हैं कि उन रेपिस्ट को जो है उन्हें पास की सजा दी जाए। अबे वो जो है इंटरव्यू है प्रशासन को, फोटो बनी, फोटो बनी, नहीं हम लोगों को जो है फांसी की सजा देना हिंदुस्तान, चलना चलना अभी चलना है, अभी हो गया पूरी बात को खत्म कि आने वाली जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज को याद रखे, इसको ऐसी जो ये सब जो लड़कियों का जीना हराम कर रहे हैं उनके लिए ऐसी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि इन लोगों को फांसी की अच्छी सजा हो, वो इबरत हासिल कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर लिख देना चाहिए ताकि जहाँ भी लोग जाए तो उनसे मतलब ये देखिए कि ये रेपिस्ट है, इस तरह की वो हरकत करने वाला इंसान है, अगर हम एक बार में मार देते हैं, अरे बस यार अभी नहीं बता तो थोड़ा सा उनको ये चीज नहीं मिलेगी। अंकल आप साथ आ जाइए, थोड़ा सा हमें जरूरी है कि जो है हमें बिल्कुल उसको इस तरह की मौत, ये हालत मतलब वो घूम रही थी अपने बकरियों को चरा रही थी और उसी में इसको किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद फिर उसको जो है बहुत बुरी तरह से मतलब उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको मारकर कैद किया गया। तो ये जो ऐसी जी, अब हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए कि ये जो है बच्ची, ये सिर्फ एक बच्ची की कमी नहीं है, मतलब एक बच्ची के लिए ये नहीं कर रहे, हम सब बच्चों के लिए कर रहे, आपकी बच्ची के लिए, अपने माँ बाप की बच्ची के लिए, हम सब जितने यहाँ पे लोग हैं हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं कि उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो है वो चाहते हैं, इनके मम्मी पापा चाहते हैं कि उन रेपिस्ट को जो है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अबे वो जो है इंटरव्यू है प्रशासन को, फोटो बनी, फोटो बनी, नहीं हम लोगों को जो है फांसी की सजा देना हिंदुस्तान, चलना चलना अभी चलना है, अभी हो गया पूरी बात को खत्म कि आने वाली जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज को याद रखे, इसको ऐसी जो ये सब कर रहे हैं, जो लड़कियों का जीना हराम कर रहे हैं उनके लिए ऐसी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि इन लोगों को फांसी की अच्छी सजा हो, वो इबरत हासिल कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर लिख देना चाहिए कि हाँ ये लोग रेपिस्ट है, ताकि जहाँ भी लोग जाए उनसे मतलब खौफ है कि हाँ ये देखिए कि ये रेपिस्ट है, इस तरह की वो हरकत करने वाला इंसान है, अगर हम एक बार में मार देते हैं, अरे बस यार अभी नहीं बता तो थोड़ा सा उनको ये चीज नहीं मिलेगी। अंकल आप साथ आ जाइए, थोड़ा सा हमें जरूरी है कि जो है हमें बिल्कुल उसको इस तरह की मौत। आप क्या कहना चाहेंगी आसिफा के बारे में? हाँ आप क्या कहना चाहेंगी आसिफा के बारे में, क्या उसे किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ ट्रक से, ट्रक से लग गई, ट्रक से हुआ, ट्रक से, अच्छा ठीक है। आंटी आप बताइए, आप इस एनजीओ की है? हाँ एनजीओ की टीम है, मैं सुरेशा खान मैनेजर, ये बच्चे सोसाइटी के हैं सारे हमारे, हम ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं आसिफा का एक केस हुआ है 8 साल की बच्ची की, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, हालांकि हिंदू मुसलमान सब एक है, किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इंसाफ, उनके फादर चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा मिले, तो फादर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले और इसकी सजा है मौत, सजा हाँ। क्या किसी के मतलब मौत से हमें सिर्फ इंसाफ मिल जाएगा, मतलब उन्हें हम अगर फांसी दे दें हाँ। तो उनको मतलब इस टाइप से इंसाफ मिल जाएगा? हाँ इंसाफ मिल जाएगा, और कहिए आगे को बहन बेटी सभी के लिए ये बात है, लेकिन यहाँ तक ये बात है कि अगर उनको हम मार देते हैं हाँ। ठीक है तो आगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, मतलब उसका जो मतलब एक लड़की जो जिसके ऊपर इतने सारे मतलब वो हो रहे हैं कि जैसे उसको मतलब उसकी इज्जत जा रही है, उसका सब कुछ जा रहा है, तो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक फांसी दे दो कि वो फौरन मर जाए? हाँ नहीं तड़पा तड़पा सिसका सिसका के आराम से सिसका सिसका के मानना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है, सभी के लिए है, आगे को ना हो इसलिए, ठीक है। और अंकल आप थोड़ा सा वीडियो देंगे इस पे कि आप आसिफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आसिफा को न्याय मिलना चाहिए,
और कहने का मतलब ये है कि उसको फांसी की मांग की जा रही है, तो क्या उसको फांसी मिलनी चाहिए या फिर किस टाइप से उनको ये करना चाहिए? अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि उनके सर पे ये सारी चीजें लिख देनी चाहिए एक रैपिस्ट की? हाँ, वो एक रैपिस्ट है, ताकि वो जहाँ भी जाए तो उसको लगे पहचान बने, उसकी पहचान दे दी जाए उसको, इस टाइप से उसको मौत दी जाए, है ना? आसिफा के बारे में, अच्छा, इस लड़की के बारे में आप नहीं जानते? बताइए आंटी, मार दिया गया इसको उसके साथ। ये 8 साल की आसिफा लड़की है, कश्मीर पास का रैप हुआ गया था और इसको 8 दिन इसके साथ बलात्कार करा गया 8 लोगों ने, क्योंकि फिर इसको इसे मार के ईंट से पत्थर से इसको मार दिया गया। इसके जितने भी लोग हैं, इसको जो भी है, क्या करना चाहिए इनके साथ, ऐसे आदमियों के साथ मार दिया जाए, मौत की सजा सुनाई जाए, फांसी दे दी जाए, सिसका के मारा जाए, ऐसे लोगों को मार दिया जाए, है ना? क्योंकि बहन बेटी, सबकी बहन बेटी, हिंदू है, मुसलमान है, सब आपस में भाई भाई है। तो ये आगे को हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं आसिफा की, क्योंकि आगे के लिए कोई परेशानी ना हो सबको, ये सबके बच्चे बाहर फिरती है, हमारा देश इसलिए आज जो है सबसे पीछे चल रहा है इस बारे में। रेप से बचे हम, हर बातों से बचे, बुरी बातों से बचे, तो इसलिए आसिफा को इंसाफ चाहिए, आसिफा को इंसाफ चाहिए। हमारी अम्मा कह रही है जो हुआ गलत हुआ, गलत सजा मिलनी चाहिए। आपके मुताबिक कैसी सजा मिलनी चाहिए? गलत है, फांसी होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए? ऐसे लोग तो फांसी होनी चाहिए। बेटी भाई की सही, हाँ की सही, गरीब की सही, ईमानदार की सही, और क्या? बेटी तो बेटी है, बेटी तो बेटी है बेटा, सबके लिए है, सबके लिए। मैं जानती है कुछ किसके बारे में ये रैली निकली हुई है? जानता है रहे वैसे भाई लल्ली रह रही है वो। अच्छा, तो आसिफा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरोने है वो, अब क्या कहना चाहिए? ऐसा ना होना चाहिए, और क्या करना चाहिए? उसको किस तरह की मौत देनी चाहिए आपके नजर में? जैसे नजर वहाँ को मौत मिली है, ऐसी वहाँ को मिलनी चाहिए। आप नहीं चाहती कि उसके चेहरे पर लिख देना चाहिए कि ये रैपिस्ट है, ये बलात्कारी है, इस टाइप से लिख देना चाहिए ना? बिल्कुल, ताकि वो जहाँ भी घूमे तो पता चले कि हाँ ये रेपिस्ट है, उसका जीना दुश्वार हो जाए। एक बार मौत से इस टाइप का कंडीशन नहीं हल हो सकती है ना? सही बात है। मैं आपको ले लूँ अभी कितना की नहीं था। We want justice, justice for Asifa. चलो आप बताओ, आसिफा के बारे में आप क्या जानती हो और आपको क्या लगता है? जी आसिफा, पागल बताओ तो सही, आप आसिफा के लिए आप कौन सा ये कर रही हो? आप जस्टिस मांग रही हो, क्यों मांग रही हो? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और सभी की माँ बहने हैं, इसलिए सबको खड़ा होकर बोलना भी चाहिए, और हमारे मुसलमान बहुत पीछे हैं, बोलना नहीं चाहते। पागल बताओ तो सही, आप आसिफा के लिए आप कौन सा ये कर रही हो? आप जस्टिस मांग रही हो, क्यों मांग रही हो? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और सभी की माँ बहने हैं, इसलिए सबको खड़ा होकर बोलना भी चाहिए, और हमारे मुसलमान बहुत पीछे हैं, बोलना नहीं चाहते। मेरा मतलब हमने समझ लिया।